माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के सलाहपुर घर पर आज बुलडोजर चलाया गया है। यह आलिशान मकान वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति पर बनाया गया था। इस मकान को गिराने के लिए पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद रहा। पूरे इलाके को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के घर के बगल में बना हुआ मकान उसके भाई जैद मास्टर का है। उन दोनों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके यह बंगला बनाया था। मालूम हो कि साल 2023 में 26 फरवरी को शहर के धूमनगंज इलाके के जयंतीपुर में अधिवक्ता उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा फरार चल रही है।